हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ को 9 दबाना है कस्टमर के से बात करने के लिए। नमस्कार, मैं आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपेश और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि जियो के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा, मैं आप सबको लाइव बात करके दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जियो के कस्टमर केयर से बात करने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल बदल चुका है। यदि आप पुराने वीडियो को देखते हैं तो आप जियो कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकते हैं। इस न्यू वीडियो में आप सबको ये बताने वाला हूँ जियो के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं, कौन सा नंबर है और हमें कौन सा ऑप्शन दबाना पड़ता है, मैं आप सबको लाइव दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई उस वीडियो को देखकर यदि आप आसानी से जियो कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक घंटे को उसके दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपेश और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको फोन से डायलर को ओपन करना है और फ्रेंड्स डायलर ओपन हो जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नंबर डायल करना है 198। दोस्तों ये नंबर हर किसी को पता है लेकिन फ्रेंड्स जो ऑप्शन दबाना पड़ता था वो ऑप्शन बिल्कुल बदल चुका है। तो फ्रेंड्स यही नंबर आपको डायल करना है 198 और इसको अपने जियो सिम से डायल कर देना है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन दबाना है। वेलकम टू जियो, मोबाइल के लिए 1 दबाएं, एयर फाइबर के लिए 2 दबाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मोबाइल के लिए 1 दबाते हैं। नए ऑफर्स, रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 3 दबाना है। आपको अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। अगर आपकी शिकायत उस नंबर के लिए है जिससे आप कॉल कर रहे हैं तो 1 दबाएं। दोहराने के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 दबाना है। यदि आपको स्लो स्पीड की समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। यदि आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया है तो या आपको उपयोग करते वक्त कोई एरर आ रही है तो 2 दबाएं। यदि आपको तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 दबाना है। इंटरनेट से संबंधित दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ को 9 दबाना है कस्टमर केयर से बात करने के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा ऑप्शन दबाया हूँ। सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी नमस्कार सर, नेट नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा है कैसे मैंने जियो कस्टमर के पास कॉल किया हूँ, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे कॉल को हम डिसकनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जियो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। आप सबके वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो की डेट को या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।